नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक है और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ एज ब्राउजर के बारे में। उससे पहले बात करेंगे हम ब्राउजर के बारे में। ब्राउजर होता क्या एक्चुअली? देखो, सभी लोग चाहे ब्राउजर जानते हो या ना जानते हो, ब्राउजर यूज करते हैं, क्योंकि जब भी हम सर्च इंजन का यूज करते हैं, सर्च इंजन के लिए हमें एक ब्राउजर चाहिए ही चाहिए। तो ब्राउजर क्या होता है? सारे जो भी छोटे मोटे वेबसाइट्स हैं या फिर सर्च इंजन हैं, उनके कलेक्शन को ही एक ब्राउजर बनाया जाता है। लाइक फायरफॉक्स, ओपेरा और भी एज है आपका, ऐसे तमाम ब्राउजर्स हैं, एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और बहुत सारे स्पेशल ब्राउजर भी हैं, अलग अलग पर्पज़ के लिए भी ब्राउजर बनाए गए हैं। सो डेडिकेटली इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एज ब्राउजर के बारे में और उसको क्यों यूज़ करना चाहिए, खासकर विंडोज़ लैपटॉप तो उसे यूज़ क्यों करना चाहिए, वो मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करूँगा। तो देखो यार, ब्राउजर एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर हम चीज़ें सर्च करते हैं। एक तरह से वो रनिंग सॉफ्टवेयर है, तो काफ़ी ज़्यादा रन करता है बैकग्राउंड में भी, और अब जब यूज़ करते हैं तब भी, और सारी हिस्ट्री डेटा सब कुछ स्टोर करता है, उसकी वजह से वो स्पेस कंज्यूम करता है। सो आपने देखा होगा कि जब भी आप एक्स्ट्रा ब्राउजर्स यूज़ करते हैं, लाइक क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ओपेरा हो गया, और भी तरह तरह के ब्राउजर्स हैं वो यूज़ करते हैं, तो वो ब्राउजर्स डेफिनेटली आपको अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं, क्योंकि क्रोम देखा जाए तो फैमिलियर ब्राउजर है। सो हम क्या करते हैं, ऐसे यूज़ करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो बैकग्राउंड में बहुत सारी स्पेस ले रहा है हमारी, और रनिंग कर रहा है, कहीं ना कहीं बैटरी को ड्रेन कर रहा है, बैटरी कंज्यूम कर रहा है। आप एक बार चेक करोगे जाकर अपनी हिस्ट्री में, बैटरी की स्टेटस चेक करोगे, तो वहाँ पर आप देख पाओगे कि जो एक्स्ट्रा ब्राउजर्स आपने डाल रखे वो कितना स्टोरेज कंज्यूम कर रहे हैं, कितना बैटरी कंज्यूम कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो हमें इन बिल्ड ब्राउजर का ही यूज़ करना चाहिए। हाँ, अगर आपके फ़ोन में ऐसा कोई ब्राउजर है, लाइक ओप्पो ब्राउजर वगैरह आ गए थे, MI ब्राउजर आ गया था, अगर ये सब अभी तक हैं तो इनको नहीं यूज़ करना है, इनको हटा देना है। लाइक इन बिल्ड में अगर क्रोम आता है या फिर एज आता है तो उन्हीं को यूज़ करना है, कोई थर्ड पार्टी ब्राउजर नहीं यूज़ करना है। थर्ड पार्टी यूज़ करने का बहुत मन है तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको ऐसे ब्राउजर सजेस्ट करूंगा जो कि सेफ होंगे, कम बैटरी लेंगे, कम रैम लेंगे, आराम से स्मूथली चलेंगे। फिलहाल इस वीडियो में मैं एज को इसलिए बोल रहा हूँ यूज़ करने के लिए, क्योंकि जो काम आप क्रोम फायरफॉक्स से करते हैं वो एज से भी कर सकते हैं। कुछ लिमिटेशन हैं, अगर आपको वो चाहिए, वो फीचर्स चाहिए ही, तभी आप थर्ड पार्टी ब्राउजर पर स्विच करिए, अदरवाइज सारी चीज़ें आपको एज पर मिल जाएंगी। मैं अभी आपको इंटरफेस वगैरह सब कुछ दिखाऊंगा कि एज का इंटरफेस कैसा है और मतलब कैसी ब्राउजिंग होती है, लगभग सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं एज पर। पर्सनली एज को मैं प्रेफर क्यों करता हूँ, क्योंकि उस पर एड्स वगैरह बहुत कम दिखते हैं, साथ साथ जो सर्चिंग रिजल्ट, अगर आप एक बार सीख गए ना कि कैसे सर्च करना है एज पर, तो आपको चीज़ें काफ़ी अच्छे से मिल जाती हैं, सब कुछ इजीली अवेलेबल होता है। ये नहीं कह रहा कि क्रोम पर सर्चिंग अच्छी नहीं है, आपको रिजल्ट नहीं मिलते, डेफिनेटली आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलता है, बट उसमें एड्स वगैरह होते हैं, चीज़ें ढूंढने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। सो अब हम बात करते हैं एक्सटेंशन की यार। तो हाँ, मैं एग्री हूँ इस बात से कि जितने एक्सटेंशन क्रोम के पास है उतना एज के पास नहीं है, लेकिन देखा जाए तो सारे जो काम आपको चाहिए मेनली वो एज में भी मिल जाएगा। एज में भी आपको एक्सटेंशन फीचर मिलता है, क्रोम में भी मिलता है, आप दोनों में यूज कर सकते हैं। एक्सटेंशन क्या होता है? कुछ एक्स्ट्रा फीचर, एडिशनल फीचर्स आ जाते हैं आपके ब्राउजर में, आपको मैं दिखाऊंगा लैपटॉप में, आप क्लियरली समझ पाओगे। तो आप एक्सटेंशन डाल सकते हो, आप एज को अपने नॉर्मल ब्राउजर की तरह यूज कर सकते हो, सारी चीजें सभी फीचर्स मिल जाते हैं। ब्राउजर आपके सिस्टम को स्लो करता है अगर आप एक्स्ट्रा दो तीन ब्राउजर रखते हो, तो जिसने चलाया होगा उसे एक्सपीरियंस किया होगा, और अगर नहीं एक्सपीरियंस किया है तो अभी जो भी एक्स्ट्रा ब्राउजर्स हैं अपने फोन से, अपने लैपटॉप से हटा दो, उसके बाद परफॉर्मेंस चेक करना, पक्का डिफरेंस पता चलेगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं यार कि एज ब्राउजर कैसा दिखता है, हम क्या क्या उसमें कर सकते हैं, एक बार जान लेते हैं, उसके बाद आप डिसाइड कर लो आपको क्या करना है। सो एज ब्राउजर सभी के लैपटॉप में होगा, वैसे ही इसमें भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा एज ब्राउजर, इसको ओपन करेंगे, नॉर्मल जैसे ब्राउजर है वैसे ही आएगा। इसको आप पूरी तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो, मैं सेटिंग है, यहाँ सेटिंग का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पर 3 डॉट मिलते हैं और सारे फंक्शंस मिलते हैं, लिखो सारे फंक्शंस दिए गए हैं। नॉर्मल ब्राउजर की तरह आप इसे भी यूज कर सकते हो, मैं एक्सटेंशन एक्सप्लेन करूंगा, बाकी चाहो तो एक्सप्लोर कर सकते हो। और फिलहाल देखते हैं इसको कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं, जो कि मेरा पर्सनली फेवरेट है, इंटरफेस सबसे बड़ी चीज होती है। सो यहाँ पर सेटिंग में जाकर नॉर्मली आप यहाँ पर ऐसे क्लिक करके फोकस मोड में डालोगे तो जो भी सिर्फ एप्लीकेशन ही आपको दिखेंगे, लैंग्वेज भी अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो, इवन लिंक्स भी कितने सेलेक्ट कर सकते हो, एक रो चाहिए, दो रो चाहिए, एक भी नहीं चाहिए, ओके। और यहाँ पर बैकग्राउंड आप इमेज चूज कर सकते हो, इमेज ऑफ द डे डाल देता हूँ मैं, और यहाँ मेनली ये मेरा एक फेवरेट है, यहाँ मैं इसको ऑफ ही करके रखता हूँ। अगर आप इसको ऑन करके रखेंगे तो आपको आर्टिकल वगैरह दिखते हैं, देखे कुछ इस तरीके से, यहाँ पर जो भी न्यूज़ वगैरह, पॉडकास्ट या फिर आर्टिकल कुछ भी है तो यहाँ पर आपको दिखेंगे। मुझे पर्सनली ये पसंद नहीं है क्योंकि मैं कभी नहीं पढ़ता, तो मैं इसे बंद ही रखूंगा। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा मेडल्स की तरह बना है और 564, तो ये वीडियो कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, जिसमें जो मेन फीचर वो एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल इसका यूज़ करके आप अर्न वगैरह कर सकते हो, लाइक कुछ चीज़ें क्लेम कर सकते हो। ये फ़ोन आइकन जो बनी है, ये सिंपली आप स्कैन करके अपना इस जो ये इस ब्राउजर है इसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हो, इजिली प्ले स्टोर से भी जाकर इंस्टॉल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बाकी चीज़ें आप एक्सप्लोर कर लेना, यहाँ पर बहुत सारी आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करके मैं एक एक्सटेंशन को एक्सप्लेन करूंगा, बाकी सारी चीजें आप
चाहो तो एक एक क्लिक करके एक्सप्लोर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, ठीक है। एक्सटेंशन की बात कर लेता हूँ। एक्सटेंशन मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है ये वीडियो में क्या चीज़ें हैं। तो देखो मैंने दो एक्सटेंशन डाल रखा है, एक VPN डाल रखा है, एक एड ब्लॉकर डाल रखा है। और चाहिए तो आप ओपन माइक्रोसॉफ्ट एज एड ऑन वंस पर क्लिक करके चेक कर सकते हो। ऑलमोस्ट सारे एक्सटेंशन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। हाँ, क्रोम में ज़्यादा एक्सटेंशन होते हैं, इवन फायरफॉक्स में एक्सटेंशन होता है। जो भी ब्राउजर होते हैं, हर ब्राउजर में कोई ना कोई एक्सटेंशन एग्जिस्ट करता है। तो इसमें भी ये है, माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सारे एक्सटेंशन बना रखे हैं, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ कैटेगरीज दी गई हैं, उसमें से भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप। तो जस्ट गेट इन पर क्लिक करके आप ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो वैसे आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। सो ऐसा इंटरफेस है। और कुछ भी आपको सर्च करना है तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मैं सर्च करना चाहूँ, स्टॉक मार्केट सर्च करते हैं, जिसमें ज़्यादा ऐड वगैरह चलते हैं स्टॉक मार्केट, ठीक है। सो आप देख सकते हैं डायरेक्ट आपको रिजल्ट मिलता है। देखिए यहाँ पर अगर ऐड है तो यहाँ पर ऐड, देखिए ऐड आया है, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर आपको ऐड वगैरह दिखाया जा रहा है तो क्लियरली यहाँ पर मेंशन कर दिया था, देखिए ऐड। यहाँ पर छोटी सी चीज़ एक बार नोटिस कर लेना, ठीक है। और यहाँ से सिंपली आप नीचे जाकर जो आपको लिंक चाहिए, मैं तो वही प्रीफर करूँगा, जो वेब की लिंक हो उस पर क्लिक करो, या फिर जो यहाँ पर कुछ भी मेंशन ना हो वहाँ पर आप इजीली क्लिक करके पढ़ सकते हो। कभी कभी ऐड वाली भी लिंक हेल्पफुल होती है, लेकिन हमेशा नहीं होती। तो यहाँ से आप ऐसी चीज़ें देख सकते हो। और हाँ, ये आपको एक चैटबॉट प्रोवाइड करता है। यहाँ पर अगर आपको कुछ चाहिए तो यहाँ डायरेक्टली पूछ सकते हो, उससे पूछोगे और आपकी हेल्प कर देगा चैटबॉट। जैसे मैंने स्टॉक डाला तो वो टाइप कर रहा है, देखो, स्टॉक मार्केट इज अ कलेक्शन ऑफ एक्सचेंजेस थ्रू विच इक्विटी शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनीज आर इशूड, बॉट एंड सोल्ड, ठीक है। डेफिनेटली सही बता, तो सिंपल तरीके से आपको बता देता है। अगर छोटे मोटे क्वेश्चन क्वेरीज है तो आप यहाँ से इजिली पूछ सकते हो, ठीक है। बट पर्सनली मुझे एज पसंद है, इसलिए मैंने इस बारे में एक्सप्लेन किया। तो यही था, आप इसको नॉर्मल ब्राउजिंग की तरह भी यूज कर सकते हैं। ये एक्सप्लेन किया मैंने, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि मतलब कुछ सजेशंस दिए थे, लाइक आप अपने सिस्टम को कैसे फास्ट कर सकते हो, स्मूथ रख सकते हो, कुछ टिप्स वगैरह। और उसमें एक चीज़ मैंने बताई थी, ड्राइव को अटैच करना, बहुत लोग वो नहीं कर पा रहे हैं। डेफिनेटली मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको क्लियर हो। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।